वहीं महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विभा पटेल जल्द ही प्रदेश का दौरा करेंगी। अपनी चार उपाध्यक्ष साथियों के साथ विभा पटेल पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी और सभी के साथ समन्वय बनाकर जल्द ही पूरी कार्यकारिणी बनाएंगी। दरअसल कांग्रेस अब 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। ऐसे में आने वाले समय को देखते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें महिला कांग्रेस ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। महिला सम्मान के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए थे। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने पदभार ग्रहण के बाद एक बड़ा सम्मेलन आज किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। उनसे बात करें, बड़ा कार्यक्रम आज महिला सशक्तिकरण को लेकर किया है महिला कांग्रेस ने, किस तरीके से क्या महिलाओं को एकत्रित करना है, कार्यकर्ताओं में बूस्टअप करना है? देखिए, आज हमने विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य करती हैं उन महिलाओं का सम्मान किया। डॉक्टर, वकील, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मी, आशा कार्यकर्ता, हमने सभी वर्गों की महिलाओं को सम्मानित किया है। आज हर क्षेत्र में महिला काम ही नहीं कर रही, अपनी योग्यता प्रमाणित कर रही है। आज महिला कांग्रेस ने जो काम शुरू किया है, हमारा ये मानना है कि महिलाएँ चूँकि आधी आबादी का होती हैं और इस आधी आबादी को बहुत सक्रियता से काम करना होगा, अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद भी महिला उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई जहां उसे पहुंचना चाहिए। आगे भी कार्यकारिणी की बैठक कब करेगी होगी आपकी, क्योंकि चार उपाध्यक्ष हैं आपके साथ, आप अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से आपको कार्यकारिणी की बैठक करना है और आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा चारों उपाध्यक्ष और मेरा, हम लोगों का संभागीय दौरा होगा। जिन जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, जिस संभाग के वो प्रभारी हैं, वो संभाग में वो मेरे साथ रहेंगी और हम संभागवार दौरा करने के बाद जिला स्तर पर महिलाओं से मुलाकात करने के बाद हम कार्यकारिणी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम ये देख नहीं लेते कि महिलाएं किस योग्य हैं, तो उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें काम दिया जाएगा। पहले सभी जगह का दौरा होगा, मीटिंग होगी, उसके बाद कार्यकारिणी। मध्य प्रदेश में कब बजट भी आने वाला है कल परसों, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितना कुछ बजट में मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार से? महिलाओं को तो बहुत उम्मीद रहती है कि महिलाओं के लिए कुछ काम हो। यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा वैट टैक्स है, वो वैट टैक्स कम हो। आप भी खाना बनाते होंगे तो जब गैस चालू करते से लगता होगा कि हाँ बहुत महंगी गैस है। निश्चित तौर से, हमने तो गैस को यूज़ करना भी बहुत कम कर दिया है। अब हमें ऐसा लगता था पहले कि गैस की अपेक्षा बिजली का उपयोग कर लें, लेकिन जिस तरह से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं तो अब फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है कि किस तरह से हम अपनी रसोई को चलाएं। बहुत कठिन हो जाता है महंगाई के दौर में जब दाम हर चीज़ के लगातार बढ़ते हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही वो अपनी कार्यकारिणी के साथ या जो उपाध्यक्ष पद हैं उनके साथ प्रदेश का दौरा करेंगे और पूरी कार्यकारिणी की रूपरेखा बहुत जल्द बना ली जाएगी। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।